हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो आज मैं लेके आया हूँ IoT प्रैक्टिकल का दूसरा पार्ट अर्थात दूसरी वीडियो। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक LED को हम लोग ब्रेडबोर्ड के माध्यम से कनेक्ट करेंगे और उसी ब्रेडबोर्ड पे हम लोग जलाएंगे उसको। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं इसके सर्किट बोर्ड को समझ लेते हैं, साथ ही साथ उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे उसको समझ लेते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग। तो हम आ गए हैं फिजिकल कंपोनेंट्स पर लेकर के। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास आर्डिनो बोर्ड है, ठीक है। इस आर्डिनो बोर्ड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया हुआ था कि यहाँ पे ऊपर वाली जो पिन होती है वो डिजिटल पिन होती है, ये एनालॉग पिन होती है और पावर बोर्ड की होती है। और यहाँ पे मैंने इन सब के बारे में बताया था कि यहाँ पे हम लोग USB लगाते हैं और यहाँ से पावर सप्लाई देते हैं। ये तो हमारा आर्डिनो बोर्ड हो गया। एक हमारे पास ये LED है, जिस LED को हम क्या करेंगे, यहाँ से बर्न करवाएंगे, जलाएंगे। इस LED के बारे में हमने बताया था कि इसका जो बड़ा वाला सिरा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और छोटा वाला सिरा जो होता है वो निगेटिव होता है। हमारे पास ये आपके पास USB केबल है जो हम लोग यहाँ ब्रेडबोर्ड में क्या करते हैं, कनेक्ट कराते हैं। तो यहाँ ब्रेडबोर्ड में नहीं बल्कि आर्डिनो UNO में, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट करवा दिया। हमारे पास एक ब्रेडबोर्ड है, आज का जो प्रोग्राम है वो ब्रेडबोर्ड के माध्यम से ही है। तो ये देखिए, आपके पास मैंने दिखा दिया आपको, ये ब्रेडबोर्ड है मेरे पास, ठीक है। इस ब्रेडबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो ये जो प्लस वाला है, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक सब प्लस के ही हैं होल्स, और ये जो माइनस का है ये माइनस का ही होल्स है, ठीक है। तो कहीं पे भी आप लगा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, ABCDEFGHI। जैसे आप अगर कैल्क पढ़े होंगे तो कैल्क में आप ABCD या 1 2 3 देखे होंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 भी लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं, अलग अलग होल्स बने हुए हैं। तो आपको आर्डिनो बोर्ड में अगर इसको कनेक्ट करना होता है तो आप ऐसे ही ब्रेडबोर्ड को कनेक्ट करोगे, और उसका कनेक्ट करने का तरीका जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली में होता है, ना कि ऐसे वर्टिकली में। ऐसे वर्टिकल में करोगे तो ये जो सर्किट होती हैं, होल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो अगर आप जो है किसी LED को वर्टिकल में कनेक्ट कराओगे, ऐसे अगर आप लगाते हो, ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमने लगा दिया, तो ये सर्किट गलत होगी, आपका ये शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप LED को लगाओगे तो आप LED को इसके हॉरिजॉन्टली से लगाओगे, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ऐसे कहीं पे भी किसी भी होल में लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको कनेक्ट करा दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जम्पर वायर की मदद से, किसकी मदद से, जम्पर वायर की मदद से इसको हम कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जम्पर वायर की मदद से इसको कनेक्ट कराते हैं आर्डिनो बोर्ड से। तो देखिए मेरे पास ये जम्पर वायर है कुछ, ये जो वायर है जम्पर वायर कहलाते हैं। इस जम्पर वायर में हम जो इसका माइनस वाला सिरा है उसको हम ग्राउंड से अटैच करेंगे, यानी जो छोटी पिन थी उसको हम लोग ग्राउंड से अटैच करेंगे। यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड में जो भी ग्राउंड है आपका, GND होता है, ग्राउंड शॉर्ट में GND लिखा हुआ होता है, इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। और उसका एक जो प्लस वाला सिरा है या जो बड़ा वाला सिरा होता है उसको हम अटैच करेंगे किसी पिन नंबर से, ठीक है, जो भी पिन नंबर है। तो यहाँ पे मैं पिन नंबर 13, 12, 11 कुछ भी दे सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने दे दिया यहाँ पे 13। अब चलिए हम लोग चलते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं, लिखते हैं और उसको अपलोड करते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो हम आ गए हैं अपने प्रोग्राम पे। तो देखिए ये प्रोग्राम मैंने टाइप किया हुआ है, या आप यूँ कहें कि जो पिछला प्रोग्राम था हमारा उसी प्रोग्राम पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने मेरा पिछला प्रोग्राम नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस प्रोग्राम को ज़रूर देखें, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले पिन मोड दिया गया है। पिन मोड का मतलब क्या होगा, पिन मोड का मतलब होता है आपका कि इसमें जो दो वैल्यू पास की जाती हैं उसमें एक होता है पिन नंबर, जो आपकी LED है वो किस पिन नंबर पे लगी हुई है, और उस LED से आप करवाना क्या चाह रहे हो, इनपुट या आउटपुट,
ये आपको देना होता है। इसके बाद वाइड लूप है आपके पास, यहाँ पे डिजिटल राइट लिखा गया है, यानी आपको राइट करना है डिजिटली यानी डिजिटल पिन पे, और 13 नंबर पिन है उस लगी हुई एलईडी की, और हाई, हाई का मतलब क्या होगा, ऑन करना, ठीक है। जैसे इसको आप हाई लिख सकते हो, आप ऑन लिख सकते हो, या इसकी जगह पे वन लिख सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे डिले दिया गया है, मतलब एलईडी कितने सेकंड बाद जलेगी, तुरंत नहीं जलेगी, हल्का सा थोड़ा सा रुक करके जलेगी। इसके बाद यहाँ पे डिजिटल राइट दिया गया है, और उस डिजिटल राइट में 13 नंबर पिन को लो किया गया है। लो का मतलब होता है ऑफ करना, यानी एलईडी अगर एक बार जलेगी तो एक बार वो क्या होगी, बंद होगी। या तो आप लो लिख सकते हो, या तो आप ऑफ लिख सकते हो, या तो आप जीरो लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे डिले है कि एलईडी कितने सेकंड बाद वो क्या होगी, बंद होगी। एक सेकंड बाद मैंने दिया हुआ कि बंद हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम हमारा जो है वो सिंपल प्रोग्राम है, पिछले जैसा प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसको हमने आर्डिनो बोर्ड पर कनेक्ट करके ब्रेडबोर्ड को, और ब्रेडबोर्ड पे हम लोग इसको जलाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग ब्रेडबोर्ड पे इसको, प्रोग्राम को सबसे पहले अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से मैं इस प्रोग्राम को अपलोड करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, प्रोग्राम अपलोड हो रहा है, ठीक है। जैसे प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा तो हम लोग चलेंगे अपने स्क्रीन। ये देखिए जैसे मैंने प्रोग्राम को अपलोड किया आर्डिनो बोर्ड से, वो कनेक्ट मेरा ब्रेडबोर्ड जो है वो उस ब्रेडबोर्ड पर जो भी पिन लगी हुई है वो पिन देखिए कैसे जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है। तो इसकी मैंने जो टाइमिंग दी है वो एक सेकंड दी है। तो आप इस टाइम को कम और ज्यादा भी कर सकते हो। हो सकता है एग्जाम में दो दो सेकंड पूछता है, तो दो दो सेकंड भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। कैसे मैंने जैसे ही प्रोग्राम को अपलोड किया तो मेरा जो आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट है ब्रेडबोर्ड, उस ब्रेडबोर्ड पर जो मैंने एलईडी लगाई थी पिन नंबर 13 में, वो जल चुकी है। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी नोटिफिकेशन डालूं, जो भी वीडियो डालूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखते हैं अगले प्रोग्राम पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।